बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त ने अपने अभिनय के बल पर बॉलीवुड में एक अलग पहचान बनाई है। मोहब्बत की है तुम्हारे लिए जान भी दूंगा। अभिनेता का जन्म 29 जुलाई 1959 को मुंबई में हुआ था। सुनील दत्त और नरगिस दत्त के बेटे संजय दत्त ने 1981 में फिल्म रॉकी से बॉलीवुड में कदम रखा था। क्या यही प्यार है? हाँ, यही प्यार है। अपने करियर में अब तक कई बेहतरीन फिल्मों का हिस्सा रहे संजय दत्त की निजी जिंदगी भी काफी सुर्खियों में रही है। नजर में तू, जिगर में तू, जहां देखो वहां है तू। खासकर उनकी 308 गर्लफ्रेंड से लेकर 3 शादियां करने तक की लव लाइफ। हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जा। आज हम आपको उनके बॉलीवुड की हसीनाओं के साथ रहे अफेयर के बारे में बताने जा रहे हैं। आखिर तुम्हें आना है। संजय दत्त के अफेयर की बात जब भी होती है तो उनकी पहली गर्लफ्रेंड के रूप में टीना मुनीम का नाम सामने आता है। टीना और संजय बचपन के दोस्त थे और ऐसे में दोनों के बीच प्यार हो गया। फिल्म रॉकी के दौरान उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया, लेकिन संजय की ज्यादा शराब पीने की आदत की वजह से टीना ने उन्हें छोड़ दिया और बाद में टीना ने अनिल अंबानी से शादी कर ली। संजय दत्त ने अपनी बायोग्राफी में बताया कि फिल्म रॉकी की शूटिंग के दौरान वह टीना मुनीम से प्यार कर बैठे थे, लेकिन उस दौरान अभिनेता संजय दत्त का नाम ड्रग्स एडिक्शन जैसे विवादों में घिरने के कारण टीना मुनीम उनसे अलग हो गई थी। उसी दौरान टीना मुनीम की राजेश खन्ना के साथ फिल्म सौतन रिलीज हुई थी। उनकी जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया। दोनों की जोड़ी दर्शकों को इतनी पसंद आई थी कि दोनों की रिश्ते की खबरें भी आनी शुरू हो गई थी। दोनों के रिश्ते की खबर सुनकर संजय दत्त काफी परेशान हो गए थे। टीना मुनीम के बारे में अपनी बायोग्राफी में संजय ने इस बात खुलासा करते हुए बताया, पूरी दुनिया जानती है वह हर किसी को बेवकूफ बनाती हैं, लेकिन मैंने अंधे की तरह व्यवहार किया और उनका बचाव भी किया। संजय दत्त ने अपनी बायोग्राफी में बताया था कि जब मेरा टीना के साथ रिश्ता खत्म हुआ तो उनका नाम राजेश खन्ना के साथ जुड़ने लगा था। मुझे ऐसा लगा कि मेरा यूज किया गया है और हर कोई मुझ पर हंस रहा है। संजय दत्त ने खुलासा करते हुए कहा कि इसके बाद एक्टर ने राजेश खन्ना को पीटने का फैसला किया। उस वक्त काका महबूब स्टूडियो में शूट कर रहे थे। संजय दत्त ने आगे बताया, जब टीना मुनीम मुझे छोड़कर गई थी उस वक्त मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया था, बस मुझे गुस्सा आ रहा था। मैं ये सब चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो मुझे छोड़कर गई, ये मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने ये कसम खा ली थी कि मैं उन्हें पीटूंगा। वो कुर्सी पर बैठे थे और मैं महबूब स्टूडियो पहुंच गया। मैंने एक कुर्सी ली और उनके सामने जाकर बैठ गया। उन्हें मैं लगातार घूर रहा था। मेरा इस तरह का व्यवहार देखकर राजेश खन्ना भी हैरान रह गए थे। आइए अब संजय और रेखा की बात करते हैं। संजय दत्त 1984 में फिल्म जमीन की शूटिंग कर रहे थे जब उनके साथ रेखा के साथ अफेयर की खबरें सामने आईं। रेखा और संजय की शादी की खबरें भी आने लगी थीं। बाद में संजय दत्त ने एक इंटरव्यू के दौरान इनको अफवाह करार दिया था। संजय की मुलाकात अपनी पहली पत्नी ऋचा शर्मा से फिल्म मुहूर्त के दौरान हुई थी। संजय ने ऋचा की तस्वीर एक लोकल मैगजीन में देखी थी और तभी से वह उन्हें पसंद आ गई थी। साल 1987 में ऋचा फिल्म आग ही आग की शूटिंग कर रही थी। उस वक्त संजय दत्त ने उन्हें प्रपोज किया था, लेकिन ऋचा ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद संजय उन्हें फोन कर जवाब मांगने लगे तो एक दिन ऋचा ने हाँ कर दिया। दोनों ने 1987 में शादी की। दिल तो खोया है ही पे, कहीं पे, दिल तो खोया है ही पे, कहीं पे,
और अगले ही वर्ष उनकी बेटी त्रिशाला का जन्म हुआ। ब्रेन ट्यूमर के चलते न्यूयॉर्क में 10 दिसंबर 1996 को ऋचा का निधन हो गया। संजय दत्त का नाम माधुरी दीक्षित के साथ भी जोड़ा जाता है। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। खबरें थी कि फिल्म साजन की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। मेरा दिल भी कितना पागल है ये प्यार तो तुम। दोनों के अफेयर की चर्चा होने लगी और कहा जाता था कि दोनों शादी करना चाहते थे। लेकिन माधुरी के पिता इस रिश्ता से खुश नहीं थे क्योंकि संजय की पहले से एक बेटी थी। कहा जाता है कि 1993 के बॉम्बे बम ब्लास्ट में जब संजय का नाम आया तो माधुरी ने खुद संजय से दूरी बना ली। नायक नहीं संजय दत्त और लीजारे के रिश्ते को लेकर भी खबरें आती थीं। यह वो दौर था जब संजय अपनी पत्नी की मौत के बाद डिप्रेशन में चले गए थे और मुंबई बम ब्लास्ट केस भी चल रहा था। हालांकि दोनों का रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चला और लीजारे ने भी संजय दत्त के साथ कोई भी रिश्ता होने से मना किया था। इस सब के बाद संजय दत्त की जिंदगी में मॉडल रिया पिल्लई आई। तुम्हारी आँख नहीं जाती मैं क्या करूं। संजय और रिया ने कुछ समय तक एक दूसरे को डेट किया। तो प्यार करने वालों को जब जब दुनिया तड़पाएगी मोहब्बत। और फिर 1998 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। मेरी दुनिया है कुछ समय तक दोनों के बीच सब कुछ ठीक चला लेकिन फिर संजय दत्त के अफेयर की खबर आने लगी। इसके बाद संजय दत्त और रिया कुछ साल अलग रहे और फिर साल 2005 में उनका तलाक हो गया। संजय दत्त नादिया दुर्रानी को रिया से मिलने से पहले से जानते थे। दोनों की मुलाकात कब और कहां हुई ये कोई नहीं जानता लेकिन कहा जाता है कि नादिया और संजय की नजदीकियों की वजह से ही संजय और रिया की शादी टूटी थी। लेकिन नादिया के साथ भी संजय का रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चला और दोनों अलग हो गए। संजय दत्त जिस समय नादिया को डेट कर रहे थे उसी समय उनकी मुलाकात मान्यता से हुई। मान्यता को दिलनवाज शेख के नाम से भी जाना जाता था। संजय को मान्यता की सादगी काफी पसंद आने लगी थी। दो साल तक संजय और मान्यता का अफेयर चला। और साल 2008 में दोनों ने गोवा के एक रिसोर्ट में शादी कर ली। बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत इसके बाद साल 2010 में उनके जुड़वा बच्चों शाहरान और इकरा का जन्म हुआ। अब दोनों साथ में एक खुशहाल परिवार की तरह रह रहे हैं। रखूंगा नाल मेरे नाल, पंगा नाल मेरे नाल। तेरी बिंदिया उड़ा के ले गई मेरी निंदिया, तेरी बिंदिया उड़ा के ले। तो दोस्तों आपको बॉलीवुड के महान अभिनेता संजय दत्त कैसे लगते हैं हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताएं। आते, 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 तेरी याद आ गई। मेरी मोहब्बत का तो गवाह, पूरी हुई है दिल की दुआ। और ऐसी ही मसालेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद। दस अक्टूबर रात के 10 बजे बल्लू आपकी जेल से। कौन से साल?